हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023 अब लगभग एंड होने वाला है। फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो हमें आईटीआर भी फाइल करना होता है, मतलब हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो भी भरना पड़ता है, और टैक्स की प्लानिंग भी करनी है ताकि हमारा जो टैक्स है वो सेव हो सके। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हम अपना टैक्स जो है कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, हर साल वर्किंग प्रोफेशनल की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है, तो आपके कैरियर की शुरुआत से ही आप अगर टैक्स लायबिलिटी के बारे में जानते हैं तो काफी अच्छा रहता है, और सही टैक्स प्लानिंग से आप टैक्स बचा भी सकते हैं। तो यूनियन बजट 2023-24 के अनुसार अगर आपकी इनकम 3 लाख या उससे कम है तो आपको 0% टैक्स देना है, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता है। तो कैरियर के साथ साथ अपनी इनकम और टैक्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है टू प्लान बेटर फॉर द फ्यूचर। तो टैक्स सेविंग जो है आपके टैक्स प्लानिंग की एक इंपॉर्टेंट पार्ट होनी चाहिए, क्योंकि टैक्स प्लानिंग के अंदर हमारा टैक्स बचाना ही तो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। और आज मैं आपको एक टैक्स सेविंग टेक्निक समझाने वाला हूं। आपको लोन्स के बारे में तो पता ही होगा, होम लोन्स, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन्स, ऐसे बहुत सारे वेराइटीज के लोन्स अवेलेबल है आज की तारीख में मार्केट के अंदर। लेकिन क्या आपको पता है कि लोन लेके आप टैक्स भी बचा सकते हो? जी हाँ दोस्तों, लोन एक आइडियल फाइनेंसिंग ऑप्शन है जो आपको फंड जल्दी रेस करने में मदद करता है टू मीट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स। और अगर आप लोन लेने की रिक्वायरमेंट में हैं तो इसके थ्रू आप टैक्स भी सेव कर सकते हो ऑन योर इनकम। तो जो भी आप लोन के अंदर इंटरेस्ट पे करते हो वो आपके टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है और आपके कैश आउटफ्लो को बढ़ा देता है। और कोई कोई लोन्स टैक्स एग्जेम्पशन के साथ भी आते हैं जो आपको और ज्यादा टैक्स सेव करने में मदद करेंगे। तो पहला है होम लोन और दूसरा है पर्सनल लोन। तो अगर आप घर खरीद रहे हो होम लोन की मदद से, और फिर जो अमाउंट आप होम लोन का पे करोगे वापस, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, तो ये आपको एलिजिबल बनाते हैं टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो होम लोन पर अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द प्रिंसिपल रीपेमेंट। लेकिन ये आप अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज या 5 साल की पोजीशन वाले प्रॉपर्टीज के अंदर आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप इंटरेस्ट रीपे करोगे होम लोन के लिए वो आपको अलाउ करता है फर्दर इंटरेस्ट क्लेम अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप 2 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो अगर उस पर कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए तो। और अगर आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो आपको एक और बेनिफिट मिलता है, एडिशनल डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज फॉर द होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट अंडर सेक्शन 80EE। तो ये बेनिफिट्स आपको होम लोन के अंदर मिल जाते हैं। अब पर्सनल लोन के अंदर कैसे बेनिफिट मिलते हैं? तो देखिए दोस्तों, पर्सनल लोन जनरली किस लिए यूज होता है? ट्रेवल एक्सपेंसेस, हॉलीडे बुकिंग, मेडिकल एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल चार्जेस या वेडिंग फंड्स के लिए। लेकिन यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं क्योंकि ये लोन जो है एक्सटर्नल इनकम के अंदर कंसीडर हो जाता है। तो पर्सनल लोन पर टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन का यूज करके कोई एसेट खरीद रहे हैं, एसेट मतलब कोई जमीन खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पर्सनल लोन से, तो आप क्लेम कर सकते हो टैक्स डिडक्शन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ योर लोन रीपेमेंट। और जब आप इन एसेट को सेल करेंगे तब आप उसको क्लेम कर सकते हो, मतलब आप अपने पर्सनल लोन का यूज करके कोई भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर खरीद रहे हो या एसेट खरीद रहे हो, तो आप क्लेम कर सकते हो जो भी टैक्स डिडक्शन है ऑन योर लोन रीपेमेंट। ऐसे आप लोन्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहे हो वो क्लेम कर सकते हो टैक्स डिडक्शन के लिए। तो अब से टैक्स सेविंग और लोन बेनिफिट साथ में एंजॉय कीजिए, और फाइनेंसिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो पीरामल फाइनेंस की वेबसाइट जरूर चेकआउट कीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। वहां उनके हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे, उनका हेल्पलाइन नंबर भी है, उनकी वेबसाइट भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और वहां एक्सपर्ट आपको बेस्ट फाइनेंशियल ऑप्शंस देंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा टैक्स प्लानिंग के ऊपर, लोन के ऊपर, ताकि हमें पता चल सके कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। और उसके अलावा पीरामल फाइनेंस के चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर दबा दें ताकि आपको सीधा नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे कोई भी नया वीडियो आने पर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। पीरामल फाइनेंस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, चेकआउट जरूर कीजिएगा।